फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फाइनल दोस्तों, इंडियन मार्केट में Realme 12 Pro सीरीज आने वाली है। इस स्मार्टफोन सीरीज का डिजाइन, स्पेसिफिकेशन सब कुछ रिवील हो गया है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एंड अगर आप Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन का इंडिया पे वेट कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज फ्रेंड्स इस वीडियो में Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन के सभी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन के साथ साथ स्मार्टफोन की इंडियन मार्केट में लॉन्चिंग और प्राइस पर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो डेली ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस पाते रहने के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स लुक्स की बात करें तो Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन का डिजाइन गाइज लिटरली काफी प्रीमियम देखने को मिलता है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ इस लुक एंड डिजाइन के साथ Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन गाइज आपको ब्लू एंड व्हाइट कलर ऑप्शन के साथ मिलने वाला है, जहां पर लेदर टेक्सचर दिया जाएगा। और स्मार्टफोन का एक थर्ड कलर वेरिएंट भी आएगा जो कि ब्लैक कलर के साथ आने वाला है, जहां पर आपको ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। और स्मार्टफोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। बाकी स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक मटेरियल का फ्रेम देखने को मिलेगा, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको डिसेंट मिलने वाली है। एंड अब दोस्तों डिस्प्ले के बारे में बात करें तो Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन में इस बार आपको 6.78 इंचेस का काफी इमर्सिव फुल HD प्लस 3D कर्व्ड OLED पैनल दिया जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको HDR 10 प्लस के साथ 10 बिट कलर्स का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। बाकी स्मार्टफोन में बेजल और चिन का साइज भी काफी कम आने वाला है, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी और व्यूइंग एंगल्स काफी बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। और साथ में गाइस स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज की हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट अप टू 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी मिलेगा। और स्मार्टफोन में आपको डेफिनेटली अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलने वाला है। सेकंड दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कोई भी अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज फ्रेंड्स स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर आने वाला है, जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको बैटरी ड्रेन डेफिनेटली काफी कम देखने को मिलेगा। और इसके अंततः स्कोर की बात करें तो यहाँ में मैक्सिमम 5,50,000 तक देखने को मिलते हैं। सो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको डिसेंट देखने को मिलेगी। और स्मार्टफोन में LPDDR4X RAM UFS 2.2 स्टोरेज आने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स बढ़िया बात यह है कि स्मार्टफोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहां पर फ्रेंड्स Realme की लेटेस्ट UI का सपोर्ट मिलने वाला है। एंड ऑफ कोर्स इसमें आपको 2 ईयर के मेजर OS अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे, तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट यहां पर आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा। एंड अब गाइस स्मार्टफोन के सबसे मेन हाइलाइटिंग पार्ट कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन में इस बार आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा, जहां पर फ्रेंड्स सोनी का फ्लेक्सिप IMX890 सेंसर आने वाला है, जो कि OIS बेस्ड है और ये फ्लेक्सिप कैटेगरी में आता है। तो डेफिनेटली यहां पर आपको कैमरा क्वालिटी इंसेन देखने को मिलेगी। बाकी सेकंड स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर भी दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स बढ़िया बात यह है कि स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल का एक ओमनीविजन पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस भी दिया जाएगा, जो कि फ्रेंड्स OnePlus 12 स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। सो डेफिनेटली यहां पर आपको कैमरास इंसेन मिलेंगे। और स्मार्टफोन में आपको 3x ऑप्टिकल जूम, 120x डिजिटल जूम का सपोर्ट भी दिया जाएगा। साथ में इसमें आपको 6x लॉसलेस जूम का सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स स्मार्टफोन के रियर कैमरा से आप 4K 30fps तक मैक्स वीडियो शूट कर पाओगे। यहीं पे फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर गाइस आपको 32 मेगापिक्सल का सेंटर पंचल सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिसके फ्रंट कैमरा से आप फुल HD 60fps तक मैक्स वीडियो शूट कर पाओगे। लास्ट में बात करें बैटरी लाइफ और चार्जिंग कैपेसिटी की तो Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन में इस बार आपको 5000mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलेगी। और इस बार स्मार्टफोन में प्रोसेसर ज्यादा पावर एफिशिएंट यूज किया गया है, तो डेफिनेटली आपको बैटरी बैकअप Realme 11 Pro Plus से बेटर देखने को मिलेगा। और स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए इस बार गाइस आपको 80 वोल्ट की वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। लास्ट टाइम 100 वोल्ट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया था, यहाँ पर डाउनग्रेड किया गया है। बाकी कुछ अदर डिटेल्स की बात करें तो Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, जिसके साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आने वाला है। सो अगर आप कंटेंट वॉचिंग वगैरह करोगे तो डिस्प्ले के साथ साथ यहाँ पर आपको ऑडियो एक्सपीरियंस भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। बाकी स्मार्टफोन में एक्स एक्सिस मोटर दी गई है, जहाँ पर आपको और हैप्टिक्स भी देखने को मिलेंगे, तो हैप्टिक्स एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको सॉलिड मिलने वाला है। बाकी स्मार्टफोन में वाइडबैंड L1 ब्लूटूथ वर्जन 5.3 और वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स प्राइसिंग के बारे में बात करें तो Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में 8/128GB बेस वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा। और लीक्स के अकॉर्डिंग गाइस स्मार्टफोन की इंडियन मार्केट में प्राइस आपको अंडर 33,000 रुपीज देखने को मिलेगी। और अगर इस प्राइस पॉइंट पे आता है तो डेफिनेटली गाइस स्मार्टफोन काफी ओवर प्राइस होने वाला है, बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पर परफॉर्मेंस के अंदर काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया गया है। एंड फाइनली लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो गाइस Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में आपको इसी मंथ देखने को मिलेगा। और लीक्स के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन आपको 21 जनवरी के बाद इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है, इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन आता है आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। सो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और डेली ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।